हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम जितेश शर्मा है। बच्चों, ये कक्षाएं बोर्ड शिक्षा समिति के द्वारा बोर्ड के पुराने विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन माध्यम से चलित की जा रही है। बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं। हमने दो थ्योरम पढ़ी थी, त्रिभुज पे बेस। त्रिभुज बेस क्या थ्योरम थी बच्चों? यदि किसी एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, वह रेखा अन्य दोनों रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। एक थ्योरम तो हमने पढ़ी थी। दूसरी थ्योरम हमने क्या पढ़ी थी बच्चों? यदि एक त्रिभुज में त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, वह रेखा उन दोनों रेखाओं को समान अनुपात में या उन दोनों त्रिभुज की भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होगी। बच्चों, हमने यही पढ़ा था। इसके बाद में हमने कुछ एग्जांपल्स किए और कुछ क्वेश्चंस किए। बच्चों, लास्ट क्लास में आपने कुछ एक क्वेश्चंस किए होंगे, इसके अंदर आपने उनके थ्योरम्स के प्रूफ लिखे होंगे, आपने कुछ क्वेश्चन दिए थे। मैंने टेस्ट पेपर सा दिया था 3 क्वेश्चन का, वो आपने किया होगा मैं आशा करता हूँ। अब मैंने क्यों दिया वो? बच्चों, हम छठी प्रश्नावली के अंदर हम ऐसा करते जाएंगे। छठी प्रश्नावली का जैसे हम 6.1 करेंगे, 6.2 करेंगे, कहीं पर भी बीच के अंदर, ऐसा नहीं खत्म होने पे, कहीं पे भी बीच में आपको पेपर मिल जाएगा। हो सकता है 2 प्रश्नावली कंप्लीट होने के बाद मिले, 6.1 6.2 करने का मिले, क्योंकि आप इसे कंटिन्यूटी में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अपने आप को स्वयं को जांचते रहिएगा। बच्चों, एकदम मैं कहूँ आसान सी प्रश्नावलियों में से एक है, बस आपकी डेली प्रैक्टिस है या नहीं इसको लेकर के, आपको सारी थ्योरम्स याद है या नहीं इसी चीज को लेकर के। बच्चों, अब हमारे प्रश्न संख्या 6.2 के 8वें में आते हैं, पर मैं 6.2 का प्रयोग करते हुए अब प्रश्न, जब हमें प्रश्न आएगा तो ये लिखा हुआ नहीं आएगा, हमें वहां सिर्फ लिखा हुआ आएगा, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को। एक त्रिभुज, तो मैंने सबसे पहले एक त्रिभुज बनाया। ये त्रिभुज का नाम मैंने दिया ए, बी और सी। त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं, तो मैंने ए बी और बी सी का मध्य बिंदु लिया डी और ई। आगे पढ़ते हैं, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मध्य भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा डी ई, कौन सी है? डी ई तीसरी भुजा के समांतर होती है, हमें ये सिद्ध करना है। तो यहां मैं लिख लेता हूं, अब क्या लिखना है मुझे? अब मैंने इस त्रिभुज को माना है, ना एबीसी, कहीं प्रश्न में मुझे एबीसी नहीं दिया हुआ था, तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों? तो एक क्वेश्चन नंबर है बच्चों ये 8, हमें क्या दिया हुआ है इसके अंदर? माना एबीसी एक त्रिभुज है, कैसा है बच्चों? ये त्रिभुज है, साथ ही भुजा ए बी व ए सी का मध्य बिंदु डी क्रमशः डी व ई है। क्या है बच्चों? डी व सिद्ध करना है। अब यहां हमें सिद्ध करना है मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा अर्थात बीसी के समांतर होती, तो हमें सिद्ध करना है डीई पैरेलल है, बीसी के। किसके है बच्चों? बीसी के। अब बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, जो जो मुझे दिया है मैं उसे लिखता जाता हूं। एक बार दिया है क्या दिया है आपको? ए बी का मध्य बिंदु क्या है? भुजा ए बी का मध्य बिंदु, कौन सा बिंदु बच्चों? मध्य बिंदु डी है। तो क्या आप ऐसा लिख सकते हैं? तो क्या ए डी बराबर डी बी के होगा? अगर मध्य बिंदु है तो दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर। बच्चों, डी बी को मैं अगर बटे में ले आऊं तो किसके? ए डी के। तो ए डी अपॉन में डी बी बराबर किसके हो जाएगा? एक के। बराबर किसके हो जाएगा बच्चों? एक के। समीकरण नंबर 1। अब मैंने ऐसा क्यों किया आपको समझ में आ जाएगा अगले में। पुनः भुजा ए सी का मध्य बिंदु, कौन सा बिंदु बच्चों? मध्य बिंदु ई है। तो
क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं ए ई बराबर होगा ई सी के, ए ई बराबर होगा ई सी के। क्या मैं ई सी को बटे में लेके आ सकता हूं? तो आपको उत्तर होगा हाँ सर, ला सकते हैं पहले जैसा। तो ए ई अपॉन में ई सी बराबर है एक, समीकरण नंबर दो। समीकरण एक और समीकरण नंबर दो को ध्यान से देखिए बच्चों, ये भी बराबर है एक के, ये भी बराबर है एक के, तो आपस में भी कैसे होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो मैं क्या लिखता हूं, समीकरण एक व दो से क्या लिख सकता हूं बच्चों मैं, ए डी अपॉन में डी बी बराबर होगा ए ई अपॉन में ई सी। चित्र में देखिए बच्चों एक बार, क्या लिखा हमने, डी ई एक प्रतिच्छेदी रेखा है जो ए बी और ए सी को ए डी अपॉन में डी बी बराबर ए ई अपॉन में ई सी अर्थात समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर समान अनुपात में विभाजित करती है तो डी ई समांतर होगी इसके बच्चों बी सी के। तो आप यहां लिखेंगे लास्ट लाइन, यहां रेखा डी ई त्रिभुज की भुजाओं, या फिर आप यहां यूज कर सकते हो अर्थात क्यों यूज कर रहा हूं, जो ये ऊपर आया है इसका अर्थ क्या निकलता है, इसका अर्थ क्या निकलता है, रेखा डी ई त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए डी व सॉरी ए बी व ए सी को समान अनुपात में विभाजित करती है। क्या करती है बच्चों, विभाजित करती है। अतः अगर समान अनुपात में विभाजित करती है तो डी ई समांतर है बी सी के, अतः डी ई समांतर है बी सी के, ही तो हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम, इति सत्यम। बस बच्चों हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, बेहद ही आसान से प्रश्नों के अंदर था ये भी, बस लैंग्वेज से आपको प्रश्न यहाँ पर चित्र खुद बनाना था, चित्र के आधार पर आपको लिखना था, क्योंकि चित्र मैंने माना था कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसके अंदर भुजा ए बी और ई सी को इसी के मध्य बिंदु ए बी और ए सी के मध्य बिंदु डी व ई है, अगर ये मध्य बिंदु है तो डी और ई को मिलाने वाली रेखाखंड या इनसे गुजरने वाली रेखा बी सी के समांतर होती है, मुझे प्रूफ करना था। तो मैंने लिखा माना त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज है, भुजा ए बी व ए सी का मध्य बिंदु क्रमशः डी व ई है, सिद्ध करना था डी ई पैरेलल है किसके, जो बी सी के दिया हुआ था, भुजा ए बी का मध्य बिंदु कौन सा है डी है, तो इसके आधार पर मैंने लिखा कि ए डी बराबर होगा डी बी के। यहां अगर डी बी तो मैं बटे में लेके आ सकता हूं, तो ए डी अपॉन में डी बी बराबर किसके, समीकरण बराबर एक के, मैंने सीधे समीकरण नंबर एक। इसी प्रकार मैंने लिखा ए ई बराबर ई सी, तो ए अपॉन में ई सी बराबर एक, इन दोनों का यूज किया तो ये आया, जैसे मैंने इसको देखा और चित्र में देखा कि ए डी अपॉन में डी बी, ए ई अपॉन में ई सी, ये बराबर है, इसका मतलब क्या निकला, अर्थात जो रेखा डी सी है, रेखा जो डी ई है, सॉरी मैंने डी सी गलत बोल दिया, डी ई है, वो त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी व ए सी को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब क्या निकला, डी ई पैरेलल है बी सी के, यही मुझे सिद्ध करना था। बच्चों से स्टॉप कीजिए, एक बार पढ़िए और पूरे को लिख लीजिए एक बार। बच्चों अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो हमें नवा प्रश्न क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या दिया हुआ बच्चों हमें प्रश्न, ये ए बी सी डी एक समलंब है, तो आपको एक बार समलंब पता होना चाहिए, समलंब कैसे आकृति होती है, समलंब कुछ इस तरह की आकृति होती है, इसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं कुछ इस तरह की, और इसमें दिया हुआ था आपको ए बी सी और डी, ए बी सी डी एक समलंब है, ठीक है बच्चों, सॉरी डी सी, यहाँ पर डी सी लिखा हुआ है तो नीचे यहाँ पर डी आएगा, यहाँ पर सी आएगा, ए बी समांतर है डी सी के, ये आपको दिया हुआ है, इसके विकर्ण परस्पर ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, विकर्ण मतलब आमने सामने वाले शीर्षों को मिला देना, ए को सी से मिलाया, बी को मैंने डी से मिलाया, ये कहाँ मिलते हैं बच्चों, बिंदु ऊपर। आपको आगे क्या दिया हुआ है,
तो दर्शाइए कि AO अपॉन में BO, ध्यान दीजिएगा बच्चों, AO अपॉन में BO, इसके बाद में दे रखा है DO अपॉन में OC, DO अपॉन में OC या फिर CO अपॉन में DO बराबर है। तो जो हमें सिद्ध करना है एक बार पहले उसे देखते हैं, यहां पर प्रश्न संख्या 9 और हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है आपको, जो सिद्ध करना था मैं उसे एक बार लिख रहा हूं फिर प्रश्न में दोबारा आएंगे। सिद्ध करना है AO अपॉन में क्या है बच्चों, BO, ये बराबर है CO अपॉन में DO, CO अपॉन में DO, ये मुझे सिद्ध करना था। जैसे बच्चों मैंने इसे देखा तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ऐसा मैं कर चुका हूं, ऐसा हम कर चुके हैं, किस में कर चुके हैं, त्रिभुज के अंदर, बट यहाँ तो कहीं पे त्रिभुज है ही नहीं कि दो भुजाओं के अनुपात दे रखें और बराबर से दे रखें, अब ऐसा तो यहाँ पर कहीं पे है भी नहीं। तो अब क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ अगर हमें एक त्रिभुज बनाना है, अब त्रिभुज तो आप कहेंगे सर चार बने हुए हैं, AOB, AOD, DOC, COB, चार त्रिभुज तो बने हुए हैं यहाँ पे, इसके अलावा और त्रिभुज बन रहे हैं कि BDC, ACD, ऐसे बहुत से त्रिभुज इसके अंदर बन रहे हैं, परंतु हम यहां पर चाहते हैं कि हमें दो भुजाएं समांतर मिले किसी त्रिभुज के अंदर, क्योंकि यही हम थ्योरम पढ़ी हमने क्या, कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कहीं ना कहीं पर हमको एक लाइन मिल जाए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, किसी भी त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं समांतर दिखाई नहीं देती, क्यों? आप कहेंगे सर क्या AB समांतर है DC के, क्या ये किसी एक त्रिभुज का पार्ट है, तो आपको उत्तर होगा नहीं है। हम क्या करते हैं बच्चों, एक रचना करते हैं, रचना क्या करते हैं कि बिंदु O से गुजरने वाली, ध्यान से सुनिएगा, बिंदु O से गुजरने वाली एक हम रेखा खींचते हैं, क्या खींचते हैं, रेखा जो AB के समांतर है, AB के क्या है बच्चों, समांतर है। तो मैंने एक रचना करी यहां पर, क्या करी बच्चों, मैंने AB के समांतर O से गुजरने वाली एक रेखा XY खींच ली, XY खींच ली, आप चाहें तो सिर्फ इतनी सी भी खींच सकते हैं, आपकी चॉइस है, इससे भी काम हो जाएगा, ठीक है, परंतु फिर आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा कि सर इतनी सी क्यों खींच रहे हैं, तो एक बार के लिए मैं इसे पूरी खींचता हूं, फिर यूज सिर्फ OX का ही होगा, ठीक है बच्चों। तो क्या किया हमने, O से गुजरने वाली AB के समांतर एक रेखा XY हमने खींच दी। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर XY AB के समांतर है तो क्या XY DC के समांतर होगी, तो आपको उत्तर होगा हाँ सर समांतर होगी, यदि XY AB के समांतर है तो XY DC के भी समांतर होगी। तो मैंने यहां क्या किया, रचना करी, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा रचना, ये कुछ बिंदु, रचना क्या करी हमने बच्चों, रचना प्रश्न में क्या कह दिया हुआ था, बस यही दिया हुआ था, रचना क्या करी बच्चों हमने, बिंदु O से गुजरने वाली वह AB के समांतर एक रेखाखंड XY खींचा या बनाया, जो भी है XY को बना दिया। X क्या है, AD पर उपस्थित कोई बिंदु है, और Y क्या है, BQ पर उपस्थित कोई बिंदु, BC पर उपस्थित कोई बिंदु है। अब मुझे ध्यान दीजिएगा, अब बात कर रहा होता है कहीं ना कहीं पर ये AO अपॉन में BO और CO अपॉन में DO, चित्र में देखिए कहीं ना कहीं बन रहेगा। तो आप कहेंगे सर अगर मैं एक त्रिभुज ले लेता हूं, कौन सा वाला त्रिभुज लेते हैं हम, अगर मैं एक त्रिभुज ले लूं, कौन सा वाला, AC और D, AC और D, आप कहेंगे हाँ सर हम ले सकते हैं इस त्रिभुज को भी, क्या हम ले सकते हैं, तो आपको उत्तर होगा हाँ सर हम ले लेंगे, AC और D के अंदर XY पैरेलल था AB के, AB पैरेलल था DC के, तो क्या XY पैरेलल होगा DC के, तो आपको उत्तर होगा हाँ सर पैरेलल होगा। तो आप यहाँ एक चीज और लिख देंगे, यहाँ XY समांतर है किसके बच्चों, AB के, तथा AB समांतर है DC के, जो मुझे दिया है, क्योंकि अभी तक मैंने कहीं ऊपर लिखा नहीं तो मैंने लिख दिया है, तो XY समांतर होगा AB के, और ये भी समांतर होगा किसके बच्चों, ये तीनों आपस में कैसे होंगे, समांतर होंगे, ये यूज होगा इसलिए मैंने लिया है।
अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो आपको प्रूफ करना है किन किन त्रिभुजों के अंदर आ रहे हैं, ऐसे कोई आपको दो त्रिभुज ले लेने हैं जिसके अंदर ये आ जाए। ध्यान से देखिए ए सी और डी को, ए सी और डी को, तो आप कहेंगे हाँ सर ए ओ भी आ रहा है और ओ सी भी आ रहा है, ए ओ और सी ओ दोनों आ रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, त्रिभुज या फिर आकृति से मैं लिखता हूं त्रिभुज ए सी डी में, तथा एक चीज और दे रखी थी, तथा एक्स वाई या फिर एक्स ओ, इस बार मैं सिर्फ एक्स ओ ले रहा हूं। अगर एक्स वाई पैरेलल है डीसी के तो क्या एक्स ओ भी पैरेलल होगा डीसी के, तो आपको पता होगा हाँ सर एक्स ओ पैरेलल है डीसी के। तो आप क्या लिख सकते हैं, तथा ना लिख करके आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ आकृति में ये लिखा, आकृति हम ये वाली यूज कर रहे हैं, यहाँ एक्स ओ समांतर है डी सी के, किसके है बच्चों डी सी के। अगर डी सी के समांतर तो आप क्या लिख सकते हो, ए एक्स अपॉन में एक्स डी, ए एक्स अपॉन में एक्स डी, क्या लिखेंगे आप बच्चों, ए एक्स अपॉन में एक्स डी बराबर होगा। अगर समांतर है तो त्रिभुज ए सी डी की भुजाओं ए सी व ए डी को समान अनुपात में विभाजित करेगा। तो करते हैं बच्चों, ए एक्स अपॉन में एक्स डी बराबर होगा ए ओ अपॉन में ओ सी या फिर सी ओ, ए ओ अपॉन में ओ सी या फिर सी ओ। ए ओ अपॉन में हम ओ सी लिख रहे थे पर यहां पर लिखा हुआ है सी ओ, तो मैंने क्या कर दिया इसे सी ओ। समीकरण नंबर एक ध्यान दीजिएगा बच्चों, पहली चीज बन गई। अब ये देखिए बच्चों, AO और CO आ गए, AO और CO आ गए, BO और DO कौन से त्रिभुज के अंदर हैं, तो आप कहेंगे सर BO और DO, ये रहा। तो मैं त्रिभुज ले लेता हूं AB और D को, AB और D को, यहां पर XO समांतर है AB के, तो यह है DA और DB को समान अनुपात में विभाजित करेगा। तो मैं यहां लिखता हूं पुनः त्रिभुज, मैं कौन सा ले रहा हूं बच्चों ध्यान दीजिएगा, DAB में क्या है, यहां पर DAB में जो XO है वो समांतर है AB के, अगर AB के समांतर है तो XO DA और DB को समान अनुपात में विभाजित करेगा। अगर समान अनुपात में विभाजित करेगा तो मैं क्या लिख सकता हूं DX अपॉन में XA, पर जो मैंने यहां पे नाम लिखा है ना XD, और ये मेरे को नाम यही यूज करना है, तो DX को क्या आप XD बोल सकते हैं, तो आपको उत्तर होगा हां सर मैं बोल सकता हूं। तो XD ध्यान से देखिएगा बच्चों अपॉन में AX, ये बराबर होगा XD अपॉन में AX बराबर होगा OD, अर्थात यहां लिखा हुआ है क्या DO, DO अपॉन में BO के, DO अपॉन में BO। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, मेरे को पहले से इस रूप में बनाना AX अपॉन में XD, ताकि मैंने दोनों समीकरणों का यूज कर लूं। अगर मुझे दोनों समीकरणों का यूज करना है तो ध्यान से देखिए दोनों समीकरणों को, AX यहां बटे में है, यहां XD बटे में है, XD यहां पर अंश में है, AX यहां अंश में या हर में, XD यहां हर में यहां पर अंश में। तो मैं क्या करता हूं बच्चों, इस समीकरण को उल्टा कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा बच्चों AX अपॉन में XD क्या ये बराबर होगा BO अपॉन में DO के। समीकरण नंबर दो ध्यान से देखिए बच्चों दोनों समीकरणों को, BO अपॉन में DO, ध्यान से देखिए बच्चों दोनों समीकरणों का उत्तर होगा हाँ सर बराबर होगा। अब समीकरण नंबर एक और दो देखिए बच्चों, AX अपॉन में XD, AX अपॉन में XD, तो क्या मैं समीकरण नंबर एक से AX अपॉन में XD का मान समीकरण नंबर दो में पुट कर सकता हूं, तो आपको उत्तर होगा हाँ सर हम कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे समीकरण एक व दो से AX अपॉन में XD का मान कितना है बच्चों, AO अपॉन में CO बराबर है BO अपॉन में DO। आप कहेंगे सर जो हमें प्रूफ करना था वहां तक हम पहुंचे ही नहीं है, यहां पर बीओ यहां है, सीओ यहां है, बीओ यहां है, इसमें बीओ है, क्या मैं बीओ को यहां लेके जा सकता हूं, तो आपको उत्तर होगा हाँ सर। वैसे ही क्या मैं सीओ को यहां गुणा भाग में इधर आ जाएगा भाग में इधर लिख सकता हूं, आपको उत्तर होगा हाँ सर। तो मैं लिख सकता हूं ऐसा, तो क्या लिखा मैंने एओ अपॉन में बीओ बराबर है सीओ अपॉन में डीओ। बच्चों
यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या होता है, कंप्लीट होता है। कैसे होता है बच्चों, कंप्लीट। ध्यान से देखिए, AO अपॉन में BO, CO यहाँ भाग में था, इधर चला गया गुणा में, वैसे यहाँ BO यहाँ गुणा में था, जैसे यहाँ आया किसमें आ गया बच्चों, भाग के अंदर। यही तो हमें सिद्ध करना था, यही अगर हमें सिद्ध करना था तो मैंने क्या लिख दिया बच्चों, इति सिद्धम। बच्चों पूरे प्रश्न को एक बार पढ़िएगा ध्यान से और फिर इसे दोबारा पढ़िएगा। अब मैंने एक चीज कही थी आपको, आप सिर्फ इतना सा कह सकते हो कि ओ वाई का कोई यूज नहीं हुआ, तो आप सिर्फ ओ से गुजरने वाली, और आपने इसका नाम अगर ये कर दिया ओ से गुजरने वाली एक्स ओ खींची, तो भी काम आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप फिर आपको पूरे में ओ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बच्चों, पूरे के अंदर ओ, एक्स ओ, एक्स ओ का ही यूज हो रहा है बच्चों। ऐसे ही आप इसे ओ वाई बना के भी सॉल्व कर सकते थे, ओ एक्स को मिटा सकते थे, वो आपकी चॉइस थी बस। आप बट ए बी या डी सी के समांतर रेखा खींच के ही इस प्रश्न को हल कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि आपने ए बी को प्रतिच्छेद करने के लिए या डी सी को प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींच दी, वहां प्रश्न होगा, वहां पर प्रश्न हल नहीं होगा बच्चों। बार स्टॉप कीजिए पूरे प्रश्न को और इसे एक बार पढ़िए, फिर इसे कॉपी कीजिएगा। बच्चों मैं आशा करता हूँ आपने इसे स्टॉप करके पूरा लिख लिया होगा, पढ़ लिया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें क्या दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 10। आप एक बार उसे पढ़िए, मैं इसे एक बार रफ कर देता हूँ। सेम प्रश्न संख्या 10, इस प्रश्न का उल्टा है, इस प्रश्न का पूरा उल्टा है। अब बच्चों हल कैसे करना है वो हम देखेंगे। देखिए बच्चों क्या दे रखा है, एक चतुर्भुज है एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एओ अपॉन में बीओ बराबर है सीओ अपॉन में डीओ। दर्शाइए कि एबीसीडी एक समलंब है, अगर समलंब है तो हमें क्या करना है, उसकी दो भुजाओं को समांतर दशा देना है। अब बच्चों यहां पर हम आकृति कैसे बनाएं, हमें फाइनली प्रूफ करना है इसे समलंब, तो हम आकृति समलंब के जैसी ही बनाएंगे। ये बना दी हमने एक आकृति, ए बी डी और सी, इसके विकर्ण परस्पर कहां पर प्रतिच्छेद करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इसके विकर्ण ही क्या कहता है, ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। वही प्रश्न है, उसी तरीके से आपको रचना करनी है, उसी तरीके से इस प्रश्न को हल करना है। अब जो हमें दिया हुआ है उसका भी यूज करना है और किसी एक त्रिभुज का भी यूज करना है, हमें सिर्फ ये बताना है क्या कि ए बी समांतर है डी सी के, ए बी समांतर है डी सी के। अगर हमने ये दर्शा दिया ए बी समांतर है डी सी के, तो समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, कोई भी आमने सामने वाली भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, एक युग्म कैसा होता है जो समांतर। तो यहां पर ए बी को हमें डी सी के समांतर सिद्ध करना है, तो मैं यहां लिख देता हूं पहले जो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। अब मुझे ध्यान दीजिएगा, अब जो जो हमें दिया है हमें वो यूज कर लेना है, रचना जो हमने लास्ट प्रश्न में की थी वही रचना यहां पर भी करनी है। अब ऐसा क्यों, अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो हमें दिया है हमें उसका यूज किस तरह करेंगे, और मैं लिख देता हूं, दिया है क्या दिया है बच्चों हमें, एओ अपॉन में बीओ, वही AO अपॉन में BO बराबर है CO अपॉन में DO, ये हमको दिया हुआ है। मैं इसे समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं क्या करता हूँ, त्रिभुज लेता हूँ AC और D, आप चाहें तो AD और B भी ले सकते हैं, मैंने कौन सा लिया AC और D, मैंने DC के समांतर एक लाइन खींची जो बिंदु O से गुजरती है, DC के समांतर मैंने एक लाइन खींची जो बिंदु O से गुजरती है, ठीक है बच्चों। अब मुझे ये प्रूफ कर देना है कि जो ये लाइन है, क्या नाम देता हूं मैं इसका, जो मैंने यहां पे खींची है, ड्रॉ करी है, OX। मैंने क्या किया, ध्यान दीजिएगा बच्चों, AC और D के अंदर, AC और D में OX एक रेखा खींची
जो DC के समांतर है, जो DC क्या है बच्चों, समांतर है। अब मुझे प्रूफ कर देना है कि जो ये XO है, ये XO है, ये समांतर है AB के भी, ये समांतर है AB के भी, ये मुझे सिद्ध कर देना है। यहाँ पर मैं लेके चल रहा हूँ कि OX समांतर है DC के, अब मुझे सिद्ध कर देना है कि XO समांतर होगा AB के। अब ये कैसे प्रूफ करेंगे, समांतर है समांतर नहीं है, अगर हम समांतर लेके चलते हैं तो क्या कंडीशन होती है, उसका यूज करके हमें प्रूफ करना है कि XO समांतर है A और B के। ठीक है बच्चों, तो देखते तो मैं क्या करता हूं, पहले चीज रचना लिखता हूं। यहां पर रचना मैंने क्या किया बच्चों, बिंदु O से गुजरने वाली वह DC के समांतर रेखाखंड XO खींचा। ये क्लियर है बच्चों, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, XO यहाँ पर खींच दिया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, जैसे ही मैंने इसे खींचा तो आपने त्रिभुज देखा, कौन सा वाला, AC और D के अंदर, ACD में DC समांतर XO, अगर समांतर खींचा है तो मैंने लिखा आकृति से त्रिभुज AC और D में, ACD में यहाँ XO समांतर है DC के। यदि XO समांतर है DC के, इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है बच्चों, XO समांतर है DC के, इसका मतलब क्या निकल के आया, XO त्रिभुज ACD की भुजाओं AD व AC को समान अनुपात में विभाजित करेगा। तो मैं यहां लिखता हूं तो AX अपॉन में XD, ध्यान दीजिएगा बच्चों किसके बराबर है, AO अपॉन में CO, AX अपॉन में XD बराबर है AO अपॉन में CO के, CO के, ये क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, AO अपॉन में CO, क्या मैं समीकरण नंबर 1 को थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या मैं समीकरण नंबर 1 को ऐसा लिख सकता हूँ, AO अपॉन में CO बराबर है BO अपॉन में DO। आप पूछेंगे सर ऐसे कैसे लिखा, CO यहाँ पर गुणा में था, इधर आ गया बच्चों भाग में, BO यहाँ भाग में था, ऊपर जाके किस में हो गया बच्चों गुणा में, जैसा हमने लास्ट प्रश्न में किया था। और मैं समीकरण नंबर इसे बना देता हूँ 1। अब मैंने इसे क्यों बनाया, यहाँ ध्यान दीजिए AO अपॉन में CO की वैल्यू यहाँ पर है, तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, AO अपॉन में CO का मान समीकरण 1 से 2 में रख देता हूं। क्या किया बच्चों मैंने, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या किया बच्चों मैंने, समीकरण 1 से AO अपॉन में CO का मान समीकरण नंबर 2 में यहां पर पुट कर देता हूं। तो क्या आएगा बच्चों, AX अपॉन में XD बराबर है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, BO अपॉन में DO के, AO अपॉन में CO का मान BO अपॉन में DO मैंने यहां पर पुट कर दिया बच्चों। इसको आकृति में देखते कहां है, AX अपॉन में XD, BO अपॉन में OD, इसका मतलब क्या निकला, AX अपॉन में XD बराबर है BO अपॉन में OD। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए तो हम क्या लिखते हैं, DX अपॉन में XA, DO अपॉन में OB। तो आप कहेंगे सर त्रिभुज पहले जो यहां पर आया उसे त्रिभुज में देखेंगे, क्या देखेंगे हम, AX अपॉन में XD कहां बन रही है भुजा, वो ध्यान दीजिएगा बच्चों इस वाली भुजा की बात हो रही है। इसके बाद में BO अपॉन में DO, BO ये रहा बच्चों और DO ये रहा, ये समान अनुपात में विभाजित हो रही है जो भुजाएं। तो आप कहेंगे सर ये एक त्रिभुज के अंदर आ रही है, वो त्रिभुज है AB और D में XO ABD की भुजाओं AD व BD को समान अनुपात में विभाजित करता है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहां त्रिभुज ABD में XO त्रिभुज की भुजाओं AD व BD को समान अनुपात में
अनुपात में विभाजित करता है। अगर समान अनुपात में विभाजित करता है तो XO समांतर हो गया किसके बच्चों, AB के। तो आप लिखेंगे तो XO समांतर हो गया किसके बच्चों, AB के। हम क्या लेके चले थे, DC के समांतर XO खींचा था। तो यहां एक वर्ड और लिख देता हूं, अर्थात DC समांतर है XO के। समीकरण नंबर 2 इसे बना देता हूं, समीकरण 3 इसे। तो यहां लिख देता हूं 1 और 3 से। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, समीकरण नंबर 4, XO समांतर है AB के और यहां पर XO समांतर है DC के। तो मैं लिखता हूं समीकरण 2 व 4 से। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जैसे मैंने लिखा 2 व 4 से, DC समांतर है XO के, DC समांतर है XO के, XO समांतर है AB के। तो अगले स्टेप में मैं क्या लिख सकता हूँ, DC भी समांतर होगा किसके बच्चों, AB के। अगर DC समांतर हो गया AB के, तो मुझे सिद्ध करना था, अगर DC समांतर AB के, अतः ये एक चतुर्भुज है ABCD, इसकी दो भुजाएं AB समांतर आ गए किसके बच्चों, DC की। कौन से चतुर्भुज में ऐसा होता है, तो आप कहेंगे सर ऐसा सिर्फ एक चतुर्भुज में होता है, कौन सा है, समभुज चतुर्भुज में। तो आप लिखेंगे अतः ए बी सी डी एक समलंब समलंब चतुर्भुज है। बच्चों एक बार स्टॉप कीजिए, सेम प्रश्न है 90 का, बस हमने उल्टा लिखा है पूरे के पूरे प्रश्न को, पूरे के पूरे प्रश्न को हमने उल्टा लिखा है 90 वाले को। सेम वही प्रश्न है पूरा का पूरा। आप एक बार इसे स्टॉप कीजिए और पूरे को पढ़िए और फिर से लिखिएगा बच्चों। बच्चों मैं आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा और आपको प्रश्नावली भी समझ में आई होगी 6.1, जो आपने कल टेस्ट दिया था उसमें भी आपने एक अच्छा खासा खुद ने चेक किया होगा, तो आपने देखा होगा कि अच्छा खासा आपका स्कोर चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है बच्चों तो इसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए इन थ्योरम्स को। ठीक है बच्चों, आज की कक्षा को हम ही समाप्त करते हैं। थैंक यू बच्चों।